नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 से 12 तक की संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का सार। ठीक है, ये पुस्तकें आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ बात करें तो ये पाठ्य पुस्तकें रीट एग्जाम में आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी जिन्होंने संस्कृत विषय को लैंग्वेज फर्स्ट या सेकेंड के रूप में चुना है उनके लिए 30 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें रीट सेकंड ग्रेड के, तो सेकंड ग्रेड के लिए एक सेकंड पेपर होता है जो संस्कृत विषय को चयन करके इस बार 1800 पदों में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 150 प्रश्नों के लिए एक सेकंड पेपर होता है संस्कृत विषय का, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके लिए 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें जो NCERT और RBC दोनों की है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें यदि आपने पढ़ ली तो आपके बहुत सारे प्रश्न यहीं से जैसे के जैसे उठा के दिए जाते हैं, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं जो इनमें से आपको मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी सिलेबस में दिया हुआ होता है 6 to 12। ठीक है ना, स्नातक स्तर के पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के कुछ विषय होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक्स होते हैं, वो यहीं से आपके शामिल किए जाएंगे। ठीक है, थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड के लिए बिल्कुल रामबाण है कि 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें जिन्होंने पढ़ ली उनके 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन आपके बिल्कुल यहीं से बैठने वाले हैं, क्योंकि थर्ड ग्रेड के एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो 12th स्तर के प्रश्न बनते हैं, यानी यहीं इन पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, किस चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न मिलेंगे, इनको हम इस कक्षाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो जुड़े रहिए। यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नई क्लास अपडेट होगी वो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की क्लासें आपके लिए कंटिन्यू आने वाले, यानी हम इस यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासें लेकर आएंगे, जो समय समय पर आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहेगी, कौन सी क्लास कब होगी इसकी जानकारी हम बहुत जल्द आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बात करें आज 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का सार, यानी क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th, 11th, 12th। प्रत्येक क्लास की पाठ्य पुस्तक की हम अलग अलग चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से प्रश्न बनते हैं वो भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए फटाफट से, शेयर कर दीजिए चैनल के वीडियो के लिंक को, फटाफट से लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का सार के तहत हम पढ़ेंगे आज कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, कक्षा 9 की पुस्तक, और कक्षा 9 की पुस्तक में सबसे पहले हम बात करेंगे तो प्रारंभ जैसे ही होता है, यानी प्रारंभ होता है किसी भी पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में क्या दिया होता है, पुस्तक में कौन कौन सा साहित्य के अंश लिए गए, यानी संस्कृत साहित्य यहाँ से कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं उनकी हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। पहले टॉपिक की बात करें तो पहले साहित्य दिया गया है कि वैदिक साहित्य। ठीक है, पहले तो बात करें कि साहित्य दो प्रकार यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, एक तो वैदिक साहित्य, ठीक है, दूसरा लौकिक साहित्य। ध्यान रखिए वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य दो प्रकार के साहित्य की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, साहित्य का डिवाइडेशन करा है, साहित्य का विभाजन किया है दो प्रकार से, कौन कौन से, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर जो आपके कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक में दिए उनकी बात करें तो वैदिक साहित्य में बात करें तो यहाँ पर संहिता दी हुई है। ठीक है, यहाँ बात करें तो संहिता, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपको संहिता दी हुई है, संहिता की बात करें, संहिता क्या कहेंगे, वेदों के जो प्रकार हैं कितने, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को कहा गया है संहिता, चारों वेदों को क्या कहा गया है, संहिता, यानी वैदिक साहित्य में चारों वेदों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चारों वेदों का अध्ययन हम कहाँ पर करेंगे, वैदिक साहित्य में, और वैदिक साहित्य में एक प्रश्न यहाँ से हमें अक्सर पूछा गया है, वेद त्रय बिल्कुल याद रखिए, प्रश्न ज़्यादातर पूछा गया है वेद त्रय कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रय कहा जाता है क्योंकि अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, वेद त्रय की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों को वेद त्रय कहा जाता है। याद रखिए वेद त्रय किस किस को कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया, इसलिए वेद त्रय में प्रारंभिक तीन वेदों को हम शामिल करते हैं। अब बात करें तो इन वेदों को, संहिताओं को व्याख्या करने के लिए जो ग्रंथ बने वो पहला ग्रंथ क्या बना, ब्राह्मण ग्रंथ बना, कौन सा बना, ब्राह्मण ग्रंथ बना, याद रखिए कौन सा ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ बना, क्यों बना, कर्मकांड की, कर्मकांड प्रक व्याख्या करने के लिए, क्योंकि इन
ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनकी कर्म कांड फर्क व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो संहिता हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, और इसके बाद एक और टॉपिक आता है एक आरण्यक। ठीक है, आरण्यक वनों को कहा जाता है, यानी जो साहित्य वनों में रचा गया, जिन ग्रंथों की रचना वनों में की गई उनको क्या कहा गया, आरण्यक कहा गया। और ये वेदों की प्रतीकात्मक व्याख्या करते हैं, याद रखिए आरण्य क्या करते हैं, वेदों की प्रतीकात्मक व्याख्या करते हैं। ठीक है, एक और पढ़ेंगे इसमें हम उपनिषद। उपनिषद ये आपके बिल्कुल सेकंड ग्रेड में बिल्कुल एक अलग से टॉपिक रखा गया है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल आप याद रखिए उपनिषद। ठीक है, वैदिक साहित्य में बात करेंगे हम संहिता यानी चारों वेदों की, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल हम सिक्स क्लास पढ़ रहे हैं, नाइन्थ क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप अंदर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल आप जो जितना दिया है उसका पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आगे क्लासें बढ़ाएंगे आपको इसकी विस्तार से व्याख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप वैदिक साहित्य में केवल इतना याद रखिए, वैदिक साहित्य में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों को आप याद रखेंगे। ठीक है, वेद त्रयी पर प्रश्न पूछा जाए तो आप ये भी याद रखेंगे, प्रारंभिक जो तीन वेद है उनको क्या माना गया है, वेद त्रयी कहा गया है, और सबसे प्राचीन वेद किसको माना गया है, ऋग्वेद को माना गया है, और सबसे नवीन वेद किसको माना गया है, अथर्ववेद को माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे वेदांग। ठीक है, वेदांग की हम बात करने वाले हैं, वेदांग ठीक है, वेदांग की हम बात करने वाले हैं, वेदांग ठीक है, वेदांग कितने होते हैं, पहली बात करें छह वेदांग माने गए। श्लोक याद आपको होगा तो शिक्षा व्याकरण छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षड अंगानि वेदस्य आहु मनीषीय। ठीक है ना, मनीषियों ने छह अंग माने, वेदों के कितने अंग माने, छह अंग माने, कौन कौन से बात करें, तो पहला है शिक्षा, पहला कौन सा है, शिक्षा, दूसरे की बात करें तो दूसरा है आपके सामने व्याकरण, दूसरा वेदांग कौन सा है, व्याकरण, तीसरे वेदांग की बात करें तो छंद, तीसरा वेदांग कौन सा है, छंद, चौथे वेदांग की बात करें तो चौथा वेदांग है निरुक्त, चौथा वेदांग कौन सा है, निरुक्त, पांचवें वेदांग की बात करें तो पांचवा वेदांग है ज्योतिष। ठीक है, पांचवा वेदांग कौन सा है, ज्योतिष, और छठे वेदांग की बात करते हैं तो छठा वेदांग है यहाँ पर कल्प। आपको ये याद रखना है वेदांग कितने होते हैं, वेदांग छः माने गए हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। ठीक है, ये छः वेदांग के नाम है। यहाँ पर प्रश्न बनता है केवल इतना बनता है कि वेदांग कितने, ठीक है, वेदांग कितने हैं, आपको याद रखना है शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये छः वेदांग माने गए। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि वेदांगों के विषय कौन कौन से, वेदांगों के विषय कौन से। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो उच्चारण विज्ञान, उच्चारण विज्ञान, शिक्षा का विषय कौन सा है, उच्चारण विज्ञान, यानी इसमें मंत्रों के उच्चारण की विधि बताई गई है, शिक्षा में उच्चारण, वेदों के उच्चारण की विधि बताई गई है, वेदों में जो मंत्र है उनका उच्चारण किस प्रकार से करें वो विधि यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, दूसरे की बात करें व्याकरण, व्याकरण में आपको मिलेगा पद विज्ञान, पद विज्ञान यानी पदों का निर्माण कैसे करें, पद विज्ञान इसके अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर व्याकरण में इसका अध्ययन किया जाता है, व्याकरण में पद विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करें छंद, छंद क्या है, पद्यात्मक मंत्रों की छंद व्यवस्था, जो पद्यात्मक मंत्र हैं, पद्यात्मक मंत्र उनकी जो छंद व्यवस्था है वो यहाँ पर वर्णित है, छंद व्यवस्था यहाँ पर क्या किया गया है, पद्यात्मक मंत्रों के जो छंद व्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है, किसमें, छंद के अंतर्गत। निरुक्त की बात करें तो निरुक्त का मतलब है अर्थ विज्ञान, शब्दों के अर्थों का विज्ञान। ठीक है, अर्थ विज्ञान कौन सा विषय शामिल किया जाता है, अर्थ विज्ञान किसके अंतर्गत, निरुक्त में। नेक्स्ट बात करें ज्योतिष, ज्योतिष काल व खगोल का विज्ञान माना गया है, ज्योतिष क्या माना गया है, काल व खगोल का, याद रखिए काल व खगोल का विज्ञान माना गया है, कौन सा, ज्योतिष, और कल्प कर्मकांड तथा आचार का शास्त्र है, कल्प क्या है, कर्मकांड व आचार का शास्त्र, कर्मकांड व
आचार का शास्त्र। ठीक है, याद रखिए शिक्षा को उच्चारण विज्ञान के विषय के अंतर्गत शामिल किया गया है। व्याकरण में आपको पद विज्ञान मिलेगा, छंद पद्यात्मक मंत्रों की जो छंद व्यवस्था है वो आपको छंद में मिलेगी, निरुक्त अर्थ विज्ञान, ज्योतिष काल व खगोल का शास्त्र, और कल्प जो है वो कर्मकांड व आचार का शास्त्र है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, बात करते हैं महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है वो आपको बस यहीं से मिलने वाला है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेट आपके एग्जाम में मिलेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, रीड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई सा भी हो, आपको एक प्रश्न इनमें से मिलने वाला है। देखिए कौन सा प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि इनको किसकी संज्ञा दी गई है, यानी शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। ठीक है, इनको क्या माना गया है, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को घ्राण माना गया है। शिक्षा को क्या माना गया है, घ्राण यानी नासिका, शिक्षा को नासिका माना गया है। ठीक है, शिक्षा को नासिका माना गया है। व्याकरण को मुख, व्याकरण को मुखम, व्याकरण को मुख कहा गया है। छंद की बात करें, छंद पादोतु, यानी छंद को क्या कहा गया है, पाद कहा गया है, यानी चरण कहा गया है। याद रखिए छंद को क्या माना गया है, चरण को पाद या चरण माना गया है। ज्योतिष की बात करें, सॉरी निरुक्त की बात करें, तो निरुक्त को श्रोत्र यानी कर्ण, कान कहा गया है, और ज्योतिष को चक्षु या नेत्र, और कल्प को जो है वो हस्त कहा गया है, यानी वेद पुरुष के जो हस्त है वो क्या है, कल्प है। याद रखिए शिक्षा ग्रहण, व्याकरण मुख, छंद पाद, निरुक्त श्रोत्र स्रोत, ज्योतिष चक्षु, और कल्प हस्त कहा गया है। ठीक है, बात करें कल्प की, बात करते हैं यहाँ पर विशेष रूप से कल्प की बात करें, यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, वेदों के किस ग्रंथ का प्रयोग कर्मकांड के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कल्प का किया जाता है, और इसकी तीन शाखाएं, कितनी शाखाएं, तीन शाखाएं मानी गई है, कौन कौन सी बात कर लेते हैं, एक तो स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, दूसरे की बात करें तो ग्रह सूत्र, याद रखें इनको ग्रह सूत्र, और तीसरे की बात करें तो धर्म सूत्र। तीसरा कौन सा है, धर्म सूत्र। ठीक है, अब बात करते हैं हम लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य से जो कहा गया है, यहाँ पर दो ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे, एक तो रामायण और महाभारत, आपको नाइन्थ की बुक में दो ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे, एक तो रामायण और एक महाभारत। ठीक है, किसके अंतर्गत, लौकिक साहित्य की बात कर रहे हैं, कौन से साहित्य की बात करें, लौकिक साहित्य की बात करें, लौकिक साहित्य में आप दो ग्रंथों का विशेष जिक्र यहाँ पर आप इस क्लास एक बुक में मिलेगा आपको, रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत के लिए मोटी जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई, क्या क्या दी गई, पहले तो बात करें रामायण यानी आदि काव्य, कौन सा काव्य, रामायण को आदि काव्य कहा गया, कौन सा काव्य कहा गया, रामायण को आदि काव्य कहा गया। आदि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे प्रारंभ में जब वैदिक साहित्य के बाद पहला काव्य जो लिखा गया कौन सा था, रामायण था, इसलिए इसको क्या कहा गया, आदि काव्य। और इसके लेखक कौन है, वाल्मीकि, इनको आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, आदि कवि कहा जाता है, याद रखिए प्रश्न बनता है बार बार, आदि कवि किसे कहते हैं, तो वाल्मीकि को कहते हैं। ठीक है, रामायण में कितने श्लोक हैं, तो आपको ध्यान रखिए 24,000 श्लोक है, रामायण में कितने श्लोक है, 24,000 श्लोक है, याद रखिए रामायण में कितने श्लोक है, 24,000 श्लोक है, जिनका विभाजन किसमें कहा किया गया है, पहले तो बात करें कांड। ठीक है, रामायण के का विभाजन किसमें किया गया है, कांड में, यानी इसमें सात कांड है। ठीक है, सात कांड है, नामकरण हम बाद में करेंगे जब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, सात कांड के नाम कौन कौन से कांड में कितने कितने सर्ग है, यानी कांड को किसमें विभाजित किया गया है, कांड को सर्ग में विभाजित किया गया है, कांड को किस में विभाजित किया गया है, कांड को सर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी थी, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि द्वारा कृत है, आदि काव्य कहा जाता है, आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है, 24,000 श्लोक है, कांड सात है, और कांड को सर्गों में विभाजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं महाभारत की, इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाभारत की। ठीक है, महाभारत में महाभारत के
रचनाकार की बात करें तो महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा रचित है। इसके लेखक कौन है, रचिता कौन है, वेद व्यास है। ठीक है, वेद व्यास का पूरा नाम क्या है तो आपको याद रखना है, कृष्ण द्वैपायन व्यास। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, कृष्ण द्वैपायन व्यास। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन व्यास। महाभारत क्या है, कौरव और पांडव की कथा है। कौरव और पांडव की कथा है महाभारत में, क्या है, कौरव और पांडव की कथा है। ठीक है, इसमें कुल कितने पर्व हैं, तो इसमें 18 पर्व हैं। याद रखिए इसमें कितने पर्व हैं, 18 पर्व आपको देखने को मिलेंगे, यानी इसमें 18 पर्व है। और एक सूक्ति जो इसकी महत्वपूर्ण है आपको याद रखनी है, यह तो धर्म सतः जय, यह तो धर्म ततो जय। याद रखिए इसको, ये एक महत्वपूर्ण सूक्ति जो महाभारत की जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, यह तो धर्म ततो जय, यहाँ से पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल होगी इस समय पर, तो इस समय आप बिल्कुल क्लास को ज्वाइन कीजिए।